नमस्ते फ्रेंड्स, आज का वीडियो खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में कॉम्बो फैनविल मशीन इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसको किस तरह से असेंबल करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, ये मशीन लेने में क्या फायदा है और बाकी लोगों से हमारे मशीन कितनी बढ़िया है, बेहतर है, और ये मशीन किस तरह से परचेस कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी ले सकते हैं और ऑल इंडिया डिलीवरी है, होम डिलीवरी हो जाएगी, हमारे लोकेशन में आके लाइव डेमो चेक करके भी लेके जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसको कॉम्बो मशीन बोलते हैं। तो कॉम्बो मशीन का कंसेप्ट विश्वास इवन इन्होंने पहली बार परचेस लोगों के लिए लाया है, तो जबरदस्त है, बढ़िया है। तो कॉम्बो मशीन में दो मशीन का एक यूनिट आता है। तो जो देख सकते हैं ये मशीन एक रोटेटर मशीन और फैनविल मशीन का एक यूनिट है। तो पहले एक मशीन के साथ में क्या क्या आएगा ये बताऊंगा, फिर दो मशीन में क्या आएगा, फिर उसके साथ में फ्लाइट केस कैसे आएंगी ये सारा बताऊंगा। तो ये जो मशीन है इसको मैं बाजू में रख देता हूँ और इस फ्लाइट केस को मैं साइड में कर देता हूँ। देखिए, अब एक मशीन परचेस करते हैं तो एक मशीन के साथ में क्या क्या चीज़ आएंगी। एक यूनिट आएगा पूरा, ये फैनविल मशीन का यूनिट आएगा, इसके अंदर लिथियम रिचार्जेबल बैटरी रहेंगी, लिथियम आयरन वाली। देखिए, इसमें जो डिस्प्ले है बिग वाली, बेटर वाली, बड़ी वाली डिस्प्ले है, 11.6 है। यहाँ पे एंटीना लगाने के लिए प्रोविजन है, यहाँ पे चार्जिंग के लिए और यहाँ पे कनेक्टर दिए गए इंपोर्टेड वाले। इसके अंदर हम खोल के देखते हैं तो रिचार्जेबल लिथियम आयरन बैटरी है जो कि 2000 mAh वाली है। ये व्हाइट वाली टेप लगाया है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में बैटरी ना निकल जाए, कभी डैमेज ना हो, कभी ख़राब ना हो, इसके लिए कारण ये टेप लगाया गया है। ठीक है, मतलब तीन बैटरी का सेट आता है जो कि 2000 mAh का है, पावर बैंक है। उसके बाद में इसको चार्जिंग करने के लिए ये चार्जर है जो कि जियो कंपनी का है और इसका जो एम्पियर है ये 2.5 एम्पियर है, तो ज़बरदस्त है, पावरफुल है। देखिए, जियो का एक ओरिजिनल वाला चार्जर है। इसके साथ में फैनविल के दो ब्लेड आती है, दो पंखुड़ी आती है। जो पंखुड़ी है आप देखेंगे उसमें होल दिए गए हैं, तो केबल टाई से आप पैरों को लगा सकते हैं या टेप से भी लगा सकते हैं। पुराना जो था उसमें वेल्डिंग की समस्या आती थी, तो हमने इसमें होल कर दिया है और यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग कर दिया जिससे क्वालिटी बढ़िया रहेंगी। यहाँ पे हेक्स नट है जिसको टाइट करके इसमें दोनों साइड में फिक्स कर पाएंगे, तो ये दो पंखुड़ियाँ मिलेंगी। उसके साथ में देख सकते हैं रोटेटर का एक यूनिट मिलेगा जिसमें एक में दो पैरों लगा सकते हैं, तीन लगा सकते हैं, छः लगा सकते हैं। एक बेस प्लेट मिलेंगी, इसमें एक क्लैंप मिल जाएगा, हेवी ड्यूटी क्लैंप है। ये होल्डिंग यूनिट मिल जाएगा, या इस तरह से होल्डिंग यूनिट रहेगा, दो नॉब मिल जाएंगी और हेवी ड्यूटी नटबोल्ट मिल जाएंगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके साथ में एक एंटीना रहेगा कवरेज को बढ़ाने के लिए, और जो रिमोट रहेगा, रिमोट में दो बटन रहेंगे, मतलब टू की वाला रिमोट रहेगा। ए वाली बटन को जैसे प्रेस कर देंगे तो पायरो फायर हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे दो लाइट लगेंगे। तो ए वाली बटन को जैसे प्रेस कर दे, देखिए दोनों लैंप शुरू हो गए थे, एलईडी शुरू हो गई थी, इसका मतलब पायरो फायर हो गए। और बी वाली बटन को प्रेस करने से ये घूमती है, एक लेफ्ट साइड में घूमता है, एक राइट साइड में घूमता है, तो इसमें फ्लावर की डिजाइन बनती है। तो इस तरह से मिलेगा जो कि बढ़िया है, यूनिक है। तो इस तरह से ये लेते हैं तो इसको बोलते हैं कॉम्बो मशीन। ये कॉम्बो मशीन का एक कंप्लीट सेट, मतलब दो मशीन एक साथ आएंगी जो एक ही रिमोट से दोनों मशीन शुरू हो जाएंगी। जैसे इस मशीन को मैं शुरू करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं दोनों मशीन शुरू हो गई है, एक ही रिमोट से दोनों मशीन शुरू हो जाएंगी। जैसे देख सकते हैं ए वाली बटन को प्रेस कर दूंगा तो देखिए दोनों मशीन एक्टिव हो रही है, और बी वाली बटन प्रेस करने से दोनों मशीन घूम रही है, एक साथ घूम रही है। तो इससे एक ही रिमोट से दोनों मशीन शुरू हो जाएंगी। इस रिमोट को मैं यहाँ पर रख देता हूँ और दूसरा रिमोट लेता हूँ। दूसरे रिमोट से देखिए ए वाली बटन को प्रेस करने से दोनों मशीन शुरू हो गई है, और बी वाली रिमोट को प्रेस करने से दोनों मशीन घूम रही है। ये आइडेंटिकल रिमोट है, एक रिमोट से दोनों काम हो जाते हैं, पर यदि आपको एक रिमोट या आपका कभी खो जाता है, खराब हो जाता है, तो ये दूसरे रिमोट से आपका पूरा काम हो जाएगा। ये दोनों रिमोट आपका मिस हो जाते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा रिमोट भी मिल जाती है जिसको इस मशीन के साथ में पेयर करके आपका पूरा इवेंट आप कर पाएंगे। तो हमारे मशीन, ये मशीन तो सारी जगह मिल जाएंगी, फैनविल मशीन तो हर जगह मिलती है, सस्ती मिलती है और अलग अलग क्वालिटी की मिलती है। तो हमारे मशीन आप हमसे क्यों लेना चाहिए इसका मैं रीज़न बताऊंगा। आप तो फैनविल मशीन सस्ते दाम में मिल जाती है जिसमें मोटर रहती है, प्लास्टिक गियर वाली रहती है, मेटल गियर वाली रहती है और जॉनसन वाली अलग अलग टाइप की रहती है। हमसे क्यों लेना चाहिए इसका एक बढ़िया सॉलिड मैं रीज़न दूंगा। पहली बात तो इसके अंदर जो मोटर रहेंगी वो इम्पोर्टेड वाली रहेंगी, इम्पोर्टेड मोटर रहेंगी जो कि गारंटेड रहेंगी, इसमें कभी भी आपका पायरो फेल नहीं होंगे, फैन कभी रुकेगा नहीं, ये इसकी गारंटी रहेंगी। ठीक है, क्वालिटी के बारे में एकदम बढ़िया रहेगा, पाउडर कोटिंग पेंट रहेगा, भट्टी पेंट जिसको बोलते हैं। इसके जो कनेक्टर है, जो देख सकते हैं कनेक्टर है, ये सरफेस वाले हैं, मतलब कभी आपका मशीन गिर भी जाता है तो ये टूटेंगे नहीं। आजकल जो फैनविल मशीन आ रही है इसमें इस तरह के कनेक्टर आ रहे हैं जो मशीन के बाहर उभरे रहते हैं ऐसे, तो ये टूटने भी गिर जाते हैं। अभी लोग इसी तरह के कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने कनेक्टर को अपग्रेड किया है। इसमें डिस्प्ले बड़ी वाली लगा दिया है और इसके साथ में हम जो चार्जर दे रहे हैं, जो चार्जर आप देख रहे हैं ये जियो का चार्जर है। लोग इस तरह से बैक्स पैकिंग में दे रहे हैं, हल्का वाला चार्जर देते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। देखिए इस तरह से चार्जर मिलता है बाकी मशीन के साथ में जो हमारे कॉम्पिटिटर है, पर हम क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्वालिटी एक नंबर देते हैं। तो इस तरह से चार्जर मिलेगा जो कि जियो का हेवी ड्यूटी है। देखिए दोनों में क्वालिटी में आप कंपेयर करके आपको दिखा रहा, और इसके अंदर हमने जो दिखाया ये ट्रे रहता है। देखिए बैटरी लगाने के लिए तीन लिथियम आयरन बैटरी हम देते हैं जो कि आपका कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, और ये पावर बैंक आती है जो कि ये पावरफुल है। अभी भी लोग इस तरह से जो देख रहे हैं इस तरह से कनेक्टर देते हैं जिसमें 8 सेल लगते हैं 1.5 एम्पियर वाले, तो ये वाला देते हैं। तो ये अभी इसका ये पुराना वर्जन था, अभी लेटेस्ट वर्जन में इस तरह से बैटरी मिलेंगी जो कि पावरफुल रहेंगी, दोनों एक साथ से एक ही मशीन से हो जाएगा। आपको ये रखने में सुविधा हो इसलिए हमने फ्लाइट केस लॉन्च किया है।
इस तरह से फ्लाइट के सब आपको होल सेट मिल जाता है। कलर भी देख सकते हैं, रेड कलर का हमने यहाँ पे फिनिश किया है। यहाँ पे एक मशीन रखेंगे, यहाँ पे दूसरी मशीन हो जाएंगी और सारा सामान इस पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप मशीन यहाँ पे रख पाएंगे। देखिए मशीन ऐसी इसके अंदर आ जाती है। देखिए एक मशीन यहाँ पे आ गई, दूसरी मशीन यहाँ पे आएंगी और इसका पूरा सामान इस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ इसमें बटरफ्लाई लॉक है जहाँ पे आप कुलूप भी मतलब ताला लगा सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग वाले हैंडल है जिसे आप इजीली कैरी कर पाएंगे, मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन डैमेज भी नहीं होगा। तो इस तरह से मशीन है। तो पहले इस मशीन को फैन व्हील मशीन तो आप हर जगह हर बार देखे हैं, अब इसको कॉम्बो मशीन कैसे बोलते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन में मशीन कैसे काम करती है ये बताऊंगा। तो सामान को मैं बाजू में कर देता हूँ और देख सकते हैं इसको असेंबल कैसे करना है। देख सकते हैं ये वाला जो इसको बेस प्लेट बोलते हैं, बेस प्लेट में एक क्लैंप आता है और ये दो नट बोल्ट आते हैं। ये नट बोल्ट यहाँ से पीछे से इंसर्ट करना है। देखिए ये यहाँ से ऐसे इंसर्ट हो जाएंगे यहाँ पे इसके, ये यहाँ से हम इसको जैसे टाइट करेंगे तो ये नट बोल्ट यहाँ बाहर आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद इसको यहाँ से हम फिक्स करेंगे, यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो टाइट होने के बाद ये देखो इस तरह से आ जाएगा। देखिए ये हमने यहाँ पे ये बोल्ट है, ये बोल्ट को हमने विंग नट से आगे में यहाँ पे ऊपर में टाइट किया है, तो इस तरह से ये लग गए हैं। तो अभी देखिए ये जो मशीन है, इस मशीन को मैं इस तरह से रखूंगा। देखिए ये छोटा वाला पोर्शन है ये ऐसे रखूंगा और ये जो नॉब है, नॉब हेवी वाली है, इसको यहाँ पे रखूंगा। यहाँ से इसको टाइट करने से ये वाला हो जाएगा, हमारी स्टैंडिंग पोजिशन में हो जाएगी मशीन। तो ये हो जाएगा हमारा रोटेटर मशीन। देखिए अभी हमारी जो मशीन है ये रोटेटर की तरह काम करेंगी और हमारा जो ब्लेड है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर इसको मैं फिक्स कर दूंगा जिससे ये लॉक हो जाएगा। देखिए ये वाला जो ब्लेड है इसको प्लायर से इसको लूज करना है और इसके अंदर यहाँ पे लगा देना है। देखिए और इसको यहाँ से टाइट कर सकते हैं। टाइट करने से हमारा ये मशीन रोटेटर मशीन की तरह काम करेगा। देखिए ये वाला हो गया रोटेटर मशीन। अभी इसको दो ब्लेड लगा देंगे तो फैन व्हील की तरह काम करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नीचे में जो ब्लेस प्लेट है इसको टाइट कर देंगे। देखिए ये दो नॉबे हैं, वो भी हैवी ड्यूटी नॉब है जो कि क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी है। जो मैं टाइट कर रहा हूँ उसको प्लास्टिक हेडेड बोल्ट बोलते हैं या फिर दूसरे इसमें उसको टेक्निकल इसमें नॉब भी बोलते हैं। देखिए हमारा ये बेस वाला जो क्लैंप होल्डिंग यूनिट है यहाँ पे फिक्स हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, ये बेस इसको रखने के लिए इस तरह से बेस ले लेंगे। गत्था लिया हमने और गत्थे में पहले एक ब्लेड को टाइट करूँगा। देख सकते हैं ये वाली ब्लेड है, ये ब्लेड यहाँ पे टाइट हो जाएंगी। ये प्लायर से मैं इसको फिक्स कर दूंगा, देख सकते हैं एक ब्लेड यहाँ पे टाइट होगी और दूसरी ब्लेड है मैं दूसरे साइड में टाइट कर दूंगा। देखिए तो ये दोनों ब्लेड यहाँ पे टाइट होने के बाद ये हो गया हमारा नॉर्मल फैन व्हील मशीन जो कि सारे लोग देते हैं। पर हमें आपसे यही सजेस्ट करना है कि आप फैन व्हील मशीन ले रहे हो उसके जगह पे आप कॉम्बो मशीन लो तो जिससे आपके दोनों काम हो जाएंगे। ये हमने वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे प्लास्टिक का गत्था लिया है जिसको हम ऊपर में रख पाएंगे। देखिए इसको एंटीना यहाँ पे लगा देंगे, इसको होल्ड बेंड कर पाएंगे। यहाँ पे भी हमने एंटीना लगा दिया है। एक ही मशीन को हमने खड़ा रखा तो ये रोटेटर का तरह काम करेगा और आड़ा रखा तो फैन व्हील की तरह। देखिए इसके साथ में दो रिमोट है, अभी दो रिमोट है। पहले इसको मैं चार्जिंग वाला मोड दिखा देता हूँ। जैसे देख सकते हैं ये चार्जिंग, ये एक्सटेंशन बोर्ड है, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है और जैसे इसको स्विच को शुरू कर देता हूँ तो देख सकते हैं चार्जिंग जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये लैंप शुरू हो जाएगा। देखिए ये लैंप शुरू हो गया, मतलब ये हमारा ये चार्जिंग के लिए इंडिकेटर दिया गया है तो इसमें हम चार्ज भी कर पाएंगे। इसका जो बैटरी रहता है वो 11.6 मतलब फुल चार्ज हो गया और 10 वोल्ट से यदि कम हो जाता है, इसका जो डिजिट है 10 से कम हो जाता है तो चार्जिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब चार्जिंग करना पड़ता है। हेवी क्वालिटी का चार्जर होने के कारण इसकी जो चार्जिंग टाइम है 10 से 15 मिनट से ज़्यादा इसको चार्जिंग नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अभी हम क्या करते हैं, इसको पहले फायर करते हैं। देखिए एक रिमोट यहाँ पे हो गया, अभी ए वाली बटन को जैसे मैं प्रेस कर दूंगा तो देखो ये लैंप लग गए, मतलब पायरो फायर हो जाएंगे, और बी वाली बटन को जैसे प्रेस कर दूंगा तो दोनों मशीन एक साथ घूमेंगी। ये फैन व्हील हो गई और ये हमारे रोटेटर हो गई। तो देख सकते फैन व्हील और रोटेटर आपके सामने है, जो एक ही मशीन को हम दो बार यूज कर सकते हैं। ये ईशा स्टूडेंट पर होलसेल रेट मिल जाती है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, हमारे लोकेशन में आ सकते हैं, लेके जा सकते हैं और आपको फ्लाइट केस परचेस करना है तो इस तरह से फ्लाइट केस आ जाती है। फ्लाइट केस में ये पूरी मशीन आ जाती है, आपको ऐसे फ्लाइट केस भी मिल जाएगी। तो इस मशीन को आपको परचेस करना है तो विश्वास के पास आइए, कुछ तो भी यूनिक मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा। मार्केट में तो ये सारी मशीन मिल जाती है जिसमें लोकल क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो मोटर यूज़ किया है वो गियर मोटर इंपोर्टेड वाली है, सारी चीज़ें जो यूज़ किया है इंपोर्टेड वाली है। इसका कुछ भी स्पेयर पार्ट आपका खराब हो जाता है, कुछ मिस हो जाता है तो हमारे पास एक्स्ट्रा
मिल जाता है। यदि आप किसी और से परचेस कर लिया फैनविल मशीन और कुछ इश्यू आ जाता है, जैसे आपको रोटेटर यूनिट चाहिए, जैसे किसी आपने सस्ते के चक्कर में अपने किसी और से मशीन परचेस कर लिया और आपको ये यूनिट चाहिए, तो ये यूनिट भी आपको मिल जाएगा। आपको पंखुड़ी चाहिए, एक्स्ट्रा पंखुड़ी, ऐसी एक्स्ट्रा पंखुड़ी चाहिए तो एक्स्ट्रा पंखुड़ी मिल जाएंगी, ये पंखुड़ी चाहिए तो ये भी मिल जाएंगी। आपको ये जियो का चार्जर चाहिए तो चार्जर भी मिल जाएगा, ये क्लैंप चाहिए तो क्लैंप भी मिल जाएगा, और आपको ये नॉब चाहिए तो नॉब भी मिल जाएंगी, एंटीना चाहिए, रिमोट चाहिए तो सारा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो हम आशा करते हैं कुछ भी मटेरियल परचेस करना है तो एक बार हमसे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए, ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी वैल्यूएबल प्रोडक्ट आपको देंगे और ये कभी फेल नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।